बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में जो टोटका आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, इस टोटके के इस्तेमाल से आपके अजूहास में लंबाई पैदा होगी, आपकी मर्दाना ताकत व कुव्वत में इजाफा होगा, आपके मादे में भी इजाफा होगा, आपकी नामर्दगी ख़त्म होगी, जिन लोगों की कब्ज़ की शिकायत है वो ख़त्म होगी, बवासीर वो भी ख़त्म होगी, शुगर भी कंट्रोल होगी, आपके निज़ाम हज़म में जो मसाइल हैं वो सब बेहतर होंगे, आपके जिस्म में जितनी खराबियाँ हैं वो सब ठीक होंगी। इसके अलावा ये बेशुमार बीमारियों का इलाज है, इसके इस्तेमाल से आप हर बीमारी से निजात हासिल कर सकती हैं। जिस बंदे ने यह टोटका इस्तेमाल कर लिया, बेशक ये टोटका मर्द हजरात इस्तेमाल करें या मेरी बहनें या मेरे बुज़ुर्ग हजरात इसको इस्तेमाल करें, सब के लिए यकसा फ़वाद का हमल है। तो दोस्तों, टोटका बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। तो चलते हैं टोटका की जानब। इस टोटका में तेल इस्तेमाल करना है। तेल कौन सा इस्तेमाल करना है? तो दोस्तों, जैतून का तेल। जैतून का तेल अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। इसका जिक्र कुरान मजीद और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बहुत सारी जगह पे आया है। बिला शुबा जैतून का तेल दीगर इस्तेमाल होने वाले तेलों के मुकाबले में बेहतरीन है, और जैतून के तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और देसी तिब में और जदीद तिब में दर्जनों फ़वाद बताए गए हैं। तो दोस्तों, आपने कोशिश यही करनी है कि जैतून का ही तेल लें। अगर आपको जैतून का तेल नहीं मिलता तो आप रोगने बादाम भी ले सकते हैं, इसको बादाम का तेल कहते हैं। अगर ये भी आपको नहीं मिलता तो आप फिर सरसों का तेल ले लें, ये हर घर में मौजूद होता है और बआसानी मिल जाता है। इन तीनों तेलों में से आप एक ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इन तीनों तेलों में से जो दिल करे ले लें, जो आपको आसानी से मिल सके। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। 3 से 4 कतरे तेल के आपने अपनी नाफ में डालने हैं। आप नाफ में तेल डालना शुरू करें तो फिर देखें क्या फ़वाद आपको हासिल होते हैं। मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे खुद कमेंट्स में बताएंगे। एक बात की और वजाहत करता चलूं कि माँ के पेट में बच्चे को खुराक नाफ के ज़रिए ही दी जाती है। ये मेरे अल्लाह पाक की कुदरत है कि सबसे पहले मेरे अल्लाह ने नाफ ही बनाई है। तो दोस्तों, इसके बेशुमार फ़वाद हैं, इसको आज ही इस्तेमाल करना शुरू करें और मेरे अल्लाह के फजल से इसके कमालात देखें। आपको खुद यकीन आ जाएगा क्या कमाल की चीज़ है और इसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी पे कितने अच्छे असरात पड़ते हैं।